हेलो फ्रेंड्स, अंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ शकरकंद के क्रिस्पी बड़े और साथ में जीरे वाली दही। तो चलिए इसके आपको रेसिपी बता देती हूँ। क्रिस्पी बड़े बनाने के लिए हमने शकरकंद लिया है, आधी नींबू है, एक कटोरी राजगिरे के आटा लिया है, 2 चम्मच समा के चावल लिया यानी भगर लिया है हमने, जीरा है, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक कुटी हुई और सेंधा नमक। तो चलिए फटाफट इसका क्रिस्पी बड़े बना लेते हैं। पहले तो मैं इसे बॉईल कर लूंगी। शकरकंद को बॉईल करके हमने मैश कर लिया है, अब इसके बड़े बनाएंगे। एक दूसरे कटोरे में ले लेती हूँ। इसमें डालेंगे 1 कटोरी राजगिरे के आटा, 2 चम्मच समा के चावल, कुटी हुई अदरक, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, थोड़ी सी जीरा, 1 से 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, नींबू, सारे सामग्री को अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया इसे, अब इसके बड़े का शेप देंगे। हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, तवे पे सेलो फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं। हल्का सा हाथ में घी लगा लेंगे ताकि चिकनाई आ जाए हाथ पे, और छोटे से हमें लोई लेना है इस तरह से बड़े का शेप देने के लिए। ये देखिए इस तरह से हम इसे चिकना कर लेंगे और हथेली से अच्छी तरह से इसे दबा के चपटा बना देंगे। एक हमने ढक्कन लिया है इस तरह से बीच से इसे छेद करने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं। इसी तरह से हम सारे वड़े को बना के तैयार कर लेते हैं। मैं आपको एक और वड़े बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से आप हथेली से दबा के इसे चपटा बनाएं। ये देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं। इसी तरह से मैं सारे बड़े को बना लेती हूँ। देखिए हमने सारे बड़े को तैयार कर लिया है, अब इसे तवे पे फ्राई करेंगे। थोड़ी सी मैं घी ले रही हूँ इसे सेलो फ्राई करने के लिए, ज्यादा हम घी में नहीं इसे तलेंगे। घी गरम हो गया है, इसे सेलो फ्राई कर लेते हैं। देखिए इसे हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है, ज्यादा तेज आंच नहीं करेंगे। ये देखिए क्रिस्पी बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम तवे पे जितने बड़े हमने बनाए हैं सबको सेलो फ्राई कर लेंगे।
और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप व्रत में इसे खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें शकरकंद का उपयोग किया है और राजगिरे के आटा का। इसके साथ में हम जीरे वाले दही का तड़का लगाएंगे। एक एक करके पहले बड़े को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। जीरे वाले तड़के लगा रही हूँ दही को मैं। थोड़ी सी घी लिया है, थोड़ी सी जीरा लिया है। जब तक जीरा मैं गैस पे रखी हूँ उसके तड़के तैयार होने के लिए, तब तक मैं इसमें जीरा पाउडर थोड़ी सी डाल लेती हूँ, थोड़ी सी सेंधा नमक यानी स्वाद अनुसार और थोड़ी सी शक्कर। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जीरा का तड़का भी तैयार हो गया हमारा। अब इसमें तड़का लगा लेते हैं। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। व्रत के लिए क्रिस्पी वड़े तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप घर में जरूर ट्राई करें और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब हम इस व्रत में भी खा सकते हैं। थैंक यू।